परिवारगो, अब अपना ख्याल रखा करो, टेंशन लेना बंद कर दो। देखो यार, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं। बरसों से उम्मीद लगाए बैठा हूं, लेकिन घर के हालात, एक बात का एहसास तो हो गया विश्व, अपनों में बहुत कम है जो अपने होते हैं। भार्गव, हर मुश्किल में तुमने अपने आप को संभाला है। इनफैक्ट खैरों के लिए भी तुम अपनों से बढ़कर हो। क्या फर्क पड़ता है अगर अपने अपने हुए या ना हुए? फर्क पड़ता है विशु, फर्क पड़ता है। जिस उम्र में बेटे और पोते सहारा बनते हैं, उस उम्र में मुझे इसके सहारे रहना पड़ता। अरे अरे मिसेस लोबो, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? उस अजनबी की तबीयत बहुत क्रिटिकल है बेटा। क्या हुआ है उसे? अरे तू नहीं समझेगी बच्चा, लेट मी गो। अरे मैं क्या बच्ची हूँ? सब कह रहे तुम नहीं समझोगी। सर, स्ट्रेंजर सिंकिंग, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज कम। रिलैक्स, आई सी। कौन है अजनबी पेशेंट जिसे मैं नहीं जानता? जो भी हो, ईश्वर इसकी रक्षा करे। माता जी, मुझे पता तो नहीं है कि उस अजनबी को हुआ क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि बेचारा बहुत तकलीफ में है। माता जी प्लीज उसकी मदद कर दीजिए ना, ठीक कर दीजिए उसे। आपको तो पता है मेरी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन आप तो मानेंगे ना, प्लीज ठीक कर दीजिए उसे। सरगम, मेरा बच्चा, लगता है तुम्हारी प्रार्थना से उस अजनबी को होश आ गया है। सच? थैंक यू माता जी। कल ना गणेश हलवाई की दुकान से 1 किलो असली घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। थैंक यू। पेशेंट कैसा है डॉक्टर? होश में आ गया, अब स्टेबल है। किसे फोन कर रहे हो? वही तो पता नहीं है, इसीलिए पुलिस को फोन कर रहा हूं ताकि वो पता कर सके। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस को फोन मत करो डॉक्टर। भागो, ये पुलिस केस है, इसीलिए इस लड़के को गोली मारी है। हमारा फर्ज है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि पुलिस ही ये पता लगा सके कि ये लड़का कौन है और कहां रहता है। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है डॉक्टर, ये लड़का अजनबी नहीं।
अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। कुछ दिन मैं और इस लड़के को गुमनाम रहने देता हूँ। वैसे भी आज ही होश में आया, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। ईश्वर चाहेगा तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर। चलता हूं। लुक आफ्टर। सरस्वती, तुम जो चाहती थी आज वही हो रहा है। वेदांत और सरगम का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, पर ये तुम जानती थी कि सरगम की कुंडली में क्या है। आज तक इस बात की खबर मैंने किसी को भी होने नहीं दी है। यहां तक कि सरगम तो यही मानती है कि उसकी कुंडली इतनी अच्छी है कि उसे किसी भी पंडित को बताने की जरूरत नहीं है। पर सच्चाई तुम जानती थी और मैं जानता हूं। अगर इस वक्त पंडित जी ने कुंडली देखकर सच्चाई बता दी तो अविनाश परेशान हो जाएगा। पापा क्या हो गया? वेदांत और सरगम की कुंडली लाई है ना, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी, यह सरगम की कुंडली और ये वेदांत की कुंडली। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। देखिए पंडित जी, ब्रिजभूषण, कुंडलियां तो दोनों ही एक दूसरे से मिलती है। आप चाहें तो मंगनी अगले महीने की 23 तारीख को और शादी उसके 3 महीने बाद कर सकते हैं। पर एक बात, समय थोड़ा भारी है, आने वाली चुनौतियां और परेशानियां अटल है। कि आप क्या कह रहे हैं? इसका समाधान है आपको शादी कराने से पहले सरगम के लिए काल सर्प योग की पूजा करवानी होगी। तो ठीक है ना, पहले हम मंगनी की तैयारियां करते हैं, उसके बाद शादी के वक्त जो भी पूजा करानी होगी तब की तब करवा लेंगे। धन्यवाद पंडित जी, आप ये लीजिए आपकी दक्षिणा। जी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। पापा आइए बैठिए। देखिए पापा, मैं जानता हूं आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अरे इन पंडितों का काम ही कुछ ना कुछ बताना होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर ये लोग हमें प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो हम उसका उपाय नहीं करेंगे, और अगर हम उपाय नहीं करेंगे तो भला इनकी झोली कैसे भरेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बहन की तकदीर में जो भी लिखा होगा अच्छा ही होगा। तो ठीक कहता है, मैं जल्द से जल्द महेंद्र और शकुंतला भाभी से मिलकर मंगनी की तारीख और शादी की बात पक्की करता हूँ। मैं तो हर बाप की तरह यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मायके से ज्यादा ससुराल में सुख मिले, और किस्मत की बात ईश्वर पर छोड़ देते हैं। अंकल कहाँ है? मैं उन्हें खीर देने आई। अरे सिस्टर, अंदर हाँ, क्या हो रहा है? मुझे कुछ मत पूछो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा।
उसके स्टिचेस फिर से खुल गए, पता नहीं कैसे, जबकि मैं रोज खून ड्रेसिंग करती हूँ डॉक्टर। खून काफी बह चुका है, आप सारे ब्लड बैंक चेक करवाइए, हमें और खून की जरूरत लगेगी। खून वक्त पर नहीं मिला उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऑलराइट, क्विक फास्ट। मिसेस लोबो, क्या हुआ है? अरे बच्चा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, मुझे खून का इंतजाम करना है। एक तो वैसे ये रेयर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, उसके ऊपर मेरे ब्लड बैंक में खून खत्म हो गया है, मुझे कहीं बाहर से इंतजाम करना पड़ेगा, क्या करूं? मैं दे सकती हूँ। क्या? हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी तो ओ नेगेटिव है, याद है मुझे मलेरिया हुआ था तभी तो चेक करवाया था। मेरे बाबा कहते हैं कि राजा रानियों वाला है मेरा ब्लड ग्रुप, खास लोगों को ही मिलता है। हाँ चल, बस अब बात मत कर, तू चल मेरे साथ। ओहो, इस सरगम के चक्कर में महेंद्र और शकुंतला के वहां जाना था, नहीं जा सका, पता नहीं अब कब जा पाऊंगा। और ये सरगम सुबह से चली गई, अब तक नहीं लौट आई। अरे इतनी देर तो कभी होती नहीं। और अविनाश चला था अपनी बहन को ढूंढने और बैठ गया होगा किसी दोस्त के साथ। लो आ गए जनाब। अरे भाई कुछ पता चला, कहाँ है सरगम? पापा मैंने उसकी सभी सहेलियों के घर जाकर पता किया, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। तो एक काम कर, डॉक्टर विशाल को फोन कर, राजकुमारी जरूर वहीं चली गई होगी। जी अभी करता हूं। हेलो। हाँ भाई हाँ, बरखुरदार सरगम यही है, मेरे पास है। नहीं डरने की कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे खुद घर छोड़ दूंगा। ओके। वेल डन माय डियर, वेल डन बेटा, आज तुमने बहुत नेक काम किया है। अगर ऐन वक्त पर उसे खून ना दिया होता तो बेचारा शायद जिंदा ही ना बचता। तुम तो उसके लिए संजीवनी बूटी बनकर आई हो, शायद ईश्वर की खास मर्जी इसमें शामिल हो। She's a brave girl. Of course she is. जैसे करो, तुम अभी यहीं थोड़ी देर आराम करो, अभी अभी तुमने खून दिया है ना, एंड नो भागा दौड़ी। ओके बेटा, मैं एक पेशेंट को चेक करके आता हूँ, फिर तुझे मैं घर छोड़ दूंगा। नहीं डॉक्टर अंकल, मैं चली जाऊंगी। मैंने बोला ना नहीं, यहीं पर बैठो, रेस्ट करो। पर घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। नहीं सुधरोगी। ओके आइए मिस लोबो। मेरे बाबा कहते हैं कि इस तावीज में बहुत शक्ति है। हे भगवान, मेरे बाबा की आस्था की लाज रखना।
डॉक्टर 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 देखिए इनका होश आ गया है। देखिए मैया आप लोग कौन है? मुझे चोट कैसे लगी? मुझे यहाँ कौन लाया? देखिए डॉक्टर ये तो बोल भी रहे हैं हमारी कोशिशें कामयाब होगी। डॉक्टर मैं यहाँ कैसे आया? आप लोग उसे चोट कैसे लगी? देखो तुम जहाँ भी हो बिल्कुल सेफ हो। ओके तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ मेरा नाम वो हाँ तुम्हारा नाम मेरा नाम हाँ तुम्हारा नाम यस मेरा नाम क्या है? मैं कैसे आया? मैं छोड़ मेरा नाम क्या? सिस्टर डॉक्टर विशाल को बुलाओ जल्दी। मेरा नाम क्या है? नाम क्या है? नाम